झांसी के मौरानीपुर में फिर एक बेटी हुई दहेज का शिकार। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दर्ज करवाया दहेज हत्या का मामला। पिता की आशंका, बेटी को जलाकर उतारा गया मौत के घाट। झांसी के थाना लहचूरा के अंतर्गत ग्राम खनुआ का बताया जा रहा है पूरा मामला। से हैं आप? परसौरा से हैं, बांदा जिला से। ये जो जिनके साथ में ये घटना हुई है, ये कहाँ से हैं? ये खनुआ से। आप कौन हैं इनकी? ये महतारी है, मम्मी। आप इनकी माँ हैं? हाँ, माँ। क्या घटना हुई है इनके साथ में? इनका मट्टी के तेल डाला, माँ पर जलाओ है, इसके बाद के मार के फांसी लगा के टांग दी है इसको पति। कितने दिन हो गए इस घटना को हुए? काल बताई थी सर, अब काल या बाहर क्या से तीसरा, हाँ तीसरा दिन का, आपको कैसे मालूम चला? लड़का बताई सी, एक बात कहा है कि तुम्हारी लड़की मर गई है तो फांसी लगा के, तो हम सुन तो हम चले आए हैं। चले आए हो? कितने बच्चे हैं इनके? एक अभी आटो नहीं आए, अब डेढ़ दो साल तक आए का। दो साल बच्चे? मुन्ना चौकीदार नाम है मैं, हाला गाँव पे इससे बांदा जिला से आया हूँ। मेरी लड़की हंस जा रही, इसमें खनुआ में आ रही थी सर। मैंने इसको पहले भेजा था लड़की को, तो ये लोगों ने मारा था उसको सरिया सरिया से, पर मैंने सूचना दिया सर साहब को, साहब ने इनकी हमारी तरफ से बड़ी मदद की, तो ये लोग मुझको टेंशन मान गए कि मेरे दरवाजे पुलिस गई, तो फिर सब ये इसको मैंने रात में पुलिस के द्वारा ले गया लड़की को। फिर मुझको रात के ताका भी बहुत लोग से, मतलब बहुत लोग ही मुझको, दोनों बाप पीती नहीं, मेरी लड़की को जाए मुझको भी कर जाए, और जो आदमी थे वहाँ मौके में वो भी मौके पर सुनते रहे। आज क्या घटना हुई आप? आज सर ये आज मैं ये घटना हुई है, तीन दिन पहले की लाश है सर ये। आज ये मुझको कल 3 बजे रात दिन में बताई गई है लाश में, मेरी कीड़ा उड़ा सब पड़ गए सर, इतनी बुरी दशा है कि वो मेरे नहीं जो पाया, रात में कलपता रहा, रात में मेरी लाश के पास नहीं आया, जलाया पहले लाश को, मेरी बच्ची को जलाने के बाद, जलाने के बाद उसको गले में फांस दिया, पत्ता पत्ता फांस के सर उसके साथ ये दशा हुई कि भगवान करे किसी के साथ ना कहीं जाए सर, मैं इतनी ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैंने अपनी कसम लिखा कि जो हमारे से हो सकेगा वो करूँगा। ग्राम खनुआ थाना लहचूरा में एक महिला द्वारा घर में फांसी लगा के आत्महत्या करने का मामला संज्ञान में आया, इस विषय पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उनसे बातचीत की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट।